This is the formula. Whenever Sn is given to you, and if you want to find out the Tn, मतलब अगर आपको Sn दिया है, और अगर आपको Tn निकालना है, ये वाला formula use करना है. Tn is equal to Sn minus Sn minus one. Therefore, Tn is equal to what is the value of Sn? Tn minus क्या कॉमन दिख रहा है टू क्या आ गया माइनस वन प्लस वन गेट्स ई रेज टू एन माइनस ई रेज टू एन माइनस वन देखो ई एन इज इक्वल टू ये आया थ्री रेज टू एन माइनस three raised to n upon three ये minus one है ना take three raised to n common bracket में क्या बचा one minus one by three ये कितना आएगा two by three two two सा four by three raised to n ये किसकी value आ गया Tn का क्वेश्चन में क्या लिखा था क्या करना था आपको फाइंड nth टर्म nth टर्म निकाल दिया हमने सो दैट सीक्वेंस इज इन जीपी देखो जब भी Tn रहता है आई इफ यू वांट टू शो दैट दैट सीक्वेंस इज जीपी तो रेशियो क्या होना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए क्या आना चाहिए कांस्टेंट तो आप क्या करना पड़ेगा रिप्लेस n by n plus 1 t n plus 1 equal to 4 by 3 t is to n plus 1 अब क्या करना है now consider what do you have to consider t n plus 1 upon t n 4 by 3 t is to n plus 1 4 by 3 raised to n ये दोनों हो गया कैंसिल ये आ गया 3 raised to n plus 1 minus n ये डिनोमिनेटर में है ना डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस n प्लस n गेट 3 raised to 1 का वैल्यू कितना आया इज कांस्टेंट हेंस given sequence is in the given sequence is in और भी कुछ निकालना है कि अगर सपोज ऐसा भी पूछते हैं फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो टीएन तो है ना इसमें एन की जगह पे क्या रखने का वन आपको क्या मिल जाएगा फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो क्या रहेगा जो ये आया है ना टी एन प्लस वन अपॉन टी एन इसका रेशियो क्या है थ्री है इसका मतलब क्या हो गया कॉमन रेशियो बन गया कभी कभी ऐसा भी दिखता है देखो मेरा पास और ये याद रखो आप जब भी अपने को एसएन दिया होगा एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट टी एन
वाला फॉर्मूला है राइट का। और जब भी आप लोगों को रेशियो ढूंढना होगा खाली टीएल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला है टीएल प्लस वन अपॉन क्या बोल रहे तू जोर से बोल यार मेरी आवाज जा रहा है ना वहां तक ऐसा बोलता कि यहां से जाए क्या प्रॉब्लम कौन माइनस वन है ना माइनस पावर कब आता है जब वो डिनोमिनेटर में होता प्लस वन होता तो क्या लिखता हूँ इनटू थ्री बेस टू वन जब मल्टीप्लाई रहता है ना बेस पावर ऐड होता है और जब डिवाइड होता है ना डिवाइड कब होता है जब माइनस होता है अरे हम लोग ने पढ़ा था ना एट स्टैंडर्ड जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडाइसेस जब डिवीजन रहता है तो माइनस होता है और जब डिवीजन रहता है तो प्लस यहाँ पे क्या था माइनस इसका मतलब डिवाइड
हो गया क्या? आप कर दूं? ऐसा उंगली दिखाई दे तो कौन सा स्टेप है? तो ये एक साल के बाद इतना अमाउंट हो रहा है ना,
एक साल के बाद पावर में कितना है? आंसर आएगा एक साल के बाद। मैं बताती हूँ, एक साल के बाद दो साल के बाद, तीन साल के बाद, है ना? या तो थ्री हो जाएगा ना, फोर ईयर के बाद, फाइव ईयर के बाद, इसका मतलब आपने तो सिक्स ईयर के बाद बोला है ना निकालने को, मतलब वहां पे पावर कितना होगा सिक्स। यहाँ पे देयरफॉर आफ्टर सिक्स ईयर द प्राइस ऑफ हाउस कम 3 लाख। मैंने
ये हो गया क्या? बातें नहीं, अभी सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 वाला पहले रीड करेंगे। देखो 13 वाला सेम है 12 के साथ, यानी तो होमवर्क के लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। ये देखो Sn, S2n, S3n are the sum of nth term, 2nth term and 3nth term, right? क्या आएगा सब लोग यहाँ बता। Therefore Sn is equal to a r is to n minus 1 r minus 1, right? ये Sn होगा। Similarly S2n क्या आएगा, a S is to 2n minus 1 upon 2n minus, r minus 1 r minus 1. Similarly, ठीक है सब लोग इधर ध्यान दो। ये आ गया त्रिभुज को प्रूफ क्या करना है, एस एन सबसे पहले ये देखो कंसीडर एल एच एस, एल एच एस क्या है, एस एन ब्रैकेट एस थ्री माइनस एस टू एन r is to n minus 1 r minus 1, s3n कितना है a r is to 3n minus 1 r minus 1 minus a r is to 2n minus 1 r minus 1, right? देखो ये एक कॉमन ले लो और ये जब इस a से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। देखो ये r माइनस वन और ये r माइनस वन भी अगर कॉमन आ गया है ना, बट उसके पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r n का क्यूब, वन को क्या लिख सकता हूँ, वन का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, ये आएगा r n का स्क्वायर माइनस, राइट,
देखो ये वन का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में आ गया रे? क्या कर रहे हो तू? सुबह निकल जा, बाहर आराम से बैठ के मोबाइल पे अच्छे से देख लेना, जब टाइम मिलेगा तो आना। ए जाने दे इसको, इधर पढ़ा रहो और मस्त नीचे मुझे कर, क्या फायदा इसके लेक्चर में? ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। a स्क्वायर r रेस टू n माइनस 1 r माइनस 1 कितना हो जाएगा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय आर एन माइनस वन एंड आर रेज़ टू एन डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला पता है ना सबको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख देता हूँ, a cube minus b cube, a minus b, a square plus a plus, पता है ना सबको, a square minus b square का क्या होता है? a minus b a square, क्या बोलते हैं? अरे देखो इधर आ सबको, तो मैंने ये सेम फॉर्मूला वहां पे यूज किया राइट, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर किया ना, तो आर रेस टू एन होल स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? आर रेस टू एन, तो आर रेस टू टू एन आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी आर रेस टू एन इंटू वन कितना हो जाएगा? आर रेस और वन का स्क्वायर किया तो वन ही जाएगा। क्लियर? अब जो जो कॉमन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, मेरे पास वो भी है कुछ जगह ही नहीं, आप पहले इतना लिख लो ताकि वो ऊपर ऑफ करके दूसरा सॉल्व कर सकते। वैसे x के फॉर्म लिख सकते हो आप, है ना? एक देख लो एक बार, आर रेस टू एन माइनस वन आर माइनस वन होल स्क्वायर, देखो ये दिख रहा है ना टर्म, ये दिख रहा है ना टर्म, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन को मैंने कॉमन लिया, सेम है, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? आर रेस टू फोर एन प्लस आर रेस टू एन माइनस, ये माइनस की वजह से दोनों का साइन क्या हो जाएगा? और ये गेट और ये गेट आगे आ जाएगा तो कितना आएगा बोलो, ई स्क्वायर आर रेस टू एन माइनस वन आर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू आर रेस टू
क्या करने गया था वहां? अरे क्या करने गया था बाहर? देखो RHS क्या है उसका? देखो सब लोग, एस टू एन कितना है? एस एन कितना है? देखो सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज टू एन माइनस वन, आर इज टू एन प्लस वन, सही बोल रहा हूँ ना? अभी लिखा था ना इसको, ओके। अब दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? ये माइनस वन प्लस वन गेट, अब देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा, आर इज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा,
और r raised to n का स्क्वायर क्या हो r raised to 2 का है ये इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का वैल्यू सेम है ना हां क्या लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन r है lhs is equal to lhs n सब लोग ने पढ़ा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में देखो s क्या है इट इज द सम तो s इज द सम प्रोडक्ट
and sum of ठीक है सब लोग इधर ध्यान दो फॉर एस क्या हो जाएगा बोलो एस आएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये क्या है जीपी में टर्म रहते हैं ना ऐसा जीपी में टर्म ऐसे ही होता है इसलिए तो हम लोग ए को कॉमन लेते हैं और आर रेज़ टू एन माइनस वन आर रेज़ टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए आर रेज़ टू एन माइनस वन आर माइनस ये सम का फॉर्मूला राइट अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं थीटा तो क्या आएगा ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेज़ टू फोर राइट कहां तक आएगा ए आर रेज़ टू एन माइनस वन तक क्योंकि एन टर्म का प्लस है ना और ये फर्स्ट टर्म में तो आर है ही नहीं इसको मिला के क्या होगा एन माइनस वन तक ही आएगा ना तो देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है एन टाइम्स ए रेस टू एन आ जाएगा और आर रेस टू कितना हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन टाइम्स राइट है देखो ए रेस टू एन आर रेस टू एन एन माइनस वन अपॉन टू तो देखो एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का अभी लास्ट वाला एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तब मैं आपको लिख के देने वाला हूँ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू क्या फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू ये सीरीज का फॉर्मूला है राइट तो ध्यान से सुनो अगर इसका समेशन का ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या है तो जहां पे n है वहां पे n माइनस वन रखो ये n की जगह पे क्या आएगा और ये n की जगह पे क्या आएगा n माइनस वन जब रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन के क्या बचेगा यहाँ पे n और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस तो n इंटू n माइनस वन अपॉन टू समझा ये क्या आ गया अपना p अब क्या बचा आर आर क्या है रेसिप्रोकल वन अपॉन ए वन अपॉन ए आर वन अपॉन ए आर स्क्वायर वन अपॉन वन अपॉन राइट अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेकिन सॉल्व करता हूँ आप
क्या नहीं समझा वो इम्पोर्टेंट है, पर ये फॉर्मूला नहीं बता तुमको, तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या नहीं समझा सब समझा बोला, कहाँ पे क्या डाउट है वो इम्पोर्टेंट है ना, क्या नहीं समझा जीरो से लेके एन माइनस वन तक एंथ टर्म होता है, होता है कि नहीं, जीरो से लेके नाइन तक कितने टर्म होते हैं, जीरो से लेके नाइन तक कितने टर्म होते हैं, वैसा ही जीरो से लेके एन माइनस वन तक कितने टर्म होंगे, इसलिए एन माइनस वन, समझा, एन माइनस वन क्यों लिया है वो समझने वाली बात है, एंथ टर्म तक है, देख यहाँ पे कैसा है, ये तेरा फर्स्ट टर्म है और ये तेरा लास्ट टर्म है, यहाँ पे क्या है सम ऑफ एंथ टर्म है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एंथ टर्म है, लेकिन अगर हम लोग को प्लस लेना होता तो हम लोग आर रेस को नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, इसमें से ए को देखो ए कितने बार है, एन टाइम्स तक है, इसलिए तो ए को एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया तो क्या आया ए रेस को, सब एन टर्म तक ही है, लेकिन आर का पावर एन माइनस वन तक क्यों गया, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ, अगर ये वन से स्टार्ट होता यहाँ से स्टार्ट होता तो मैं आर एस टू एन माइनस वन नहीं लिखता, क्या लिखता हूँ आर एस टू, अब ये सब आर क्या है मल्टीप्लिकेशन है, मैंने अभी अभी इंडाइसेस पर बोल रखा है, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर क्या होता है, इसलिए सारे पावर क्या होते हैं प्लस, ऐसे सारे पावर प्लस में मतलब इसका मुझे समेशन निकालना पड़ा, इसीलिए इसका फॉर्मूला मुझे पहले क्या उर्दू बोला था, पहले भी यही लैंग्वेज था, ए कितने सब लोग रहे, अब सुनो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, रेसिप्रोकल वाला यहां पे देखो, उसको पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या कॉमन दिख रहा है सब में से, 1 बाय ए ब्रैकेट में क्या बचा, राइट अब मैं क्या करूंगा देखो, आर रेस टू एन माइनस वन से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबको क्या करूंगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आर रेस टू, क्या बोला आर रेस टू एन माइनस वन से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता मल्टीप्लाई टू आउट बाय आर रेस टू, ये देखो या फिर आप ऐसा लिखो मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, जो डिवाइड वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आएगा आर इक्वल टू, ये देखो वन अपॉन ए आर रेस टू एन माइनस वन, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आर रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पे आर एस टू एन माइनस वन आएगा न्यूमरेटर में, नीचे आर का पावर कितना है वन, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, ये हो जाएगा आर एस टू एन माइनस टू, सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा आर एस टू एन माइनस थ्री डॉट 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 प्लस, लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे देखो आर एस टू एन माइनस वन आर एस टू एन माइनस वन गेट कैंसिल, क्या बचा वन, मतलब इसके पहले क्या था वन, कैसे कम मिलेगा, अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी देखो a r raised to n minus 1 ये टर्म कैसा हो गया 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus r raised to n minus 1, अब इसका अपने को समीशन निकालना है, क्या निकालना है, क्या आएगा समीशन इसका, क्या फॉर्मूला बनेगा, a r raise to n minus 1
क्या है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है वन, आर एस टू एन माइनस वन, सॉरी आर एस टू एन अपॉन आर एस टू, हाँ ये देखो क्या आ गया मेरा आर, ये वाला टर्म थोड़ा याद रखना, ये टर्म बोल रहा है याद रखना, एस की वैल्यू क्या है ए आर एस टू एन माइनस वन आर माइनस वन, की वैल्यू क्या है ए एस टू एन आर एस टू एन एन माइनस वन अपॉन राइट, यहां तक आपने लिखा है ना, सुनो ध्यान से सुनो, अब मुझे एडजस्टमेंट करना है, देखो वहां पे एस की वैल्यू में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, अरे यहाँ पे ए चाहिए ना, तो मैं ए से मल्टीप्लाई ए से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर एस टू एन माइनस वन ए आर एस टू एन आर माइनस वन, अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एस, ये हो गया एस अपॉन ए स्क्वायर आर एस टू एन माइनस वन। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रूफ अपना काम करने वाले, प्रूफ देखो क्या लिखा है, क्या चाहिए अपने को प्रूफ में, एस अपॉन आर, ये देखो मतलब ये आर यहाँ पे चाहिए और ये इधर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर आर एस टू एन माइनस वन एस अपॉन आर, करेक्ट है, बट देखो आर बाय एस का होल रेस टू क्या है एन, मतलब दोनों साइड में मुझे क्या चाहिए एन टू पावर, लेकिन nth power on both sides. तो क्या हो जाएगा ये a square r raised to n minus 1 whole raised to n, और ये आ जाएगा s by r raised to n, अब इसको सॉल्व करके मुझे क्या लेके आना है p theta square, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा ये आ जाएगा a is to 2 है, ये क्या है r is to n n minus 1 अपॉन 2 भी होना चाहिए था ना वहां पे, अरे एक मिनट ए बच्चा, नहीं नहीं बराबर हो, पी स्क्वायर भी है, देखो पी स्क्वायर चाहिए अपने को यहाँ पे, क्या चाहिए पी स्क्वायर, अब सुनो ध्यान से ये किसकी वैल्यू है, देखो वहां पे पी का वैल्यू है ना, ये पी के वैल्यू में अपॉन क्या चाहिए था टू, तो मैं क्या करूंगा टू से मल्टीप्लाई टू से, देखो ए रेस टू टू एन r raised to n n minus 1 upon 2 into 2, बराबर है, देखो एडजस्ट किया मैंने, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब ध्यान से सुनो यहाँ पे a raised to मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा n, और ये क्या है होल स्क्वायर, ये देखो ये r raised to n n minus 1 by 2 और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 2 को मैंने बाहर निकाल दिया पावर में, ये 2 को मैंने बाहर निकाल दिया पावर में, अब ये क्या हो जाएगा टर्म पूरा a raise to n r raise to n n minus 1 upon 2 whole का, ये देखो ये 2 और ये 2 बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा whole square s by r raise to n, ये किसकी वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा p therefore ये आ जाएगा p square is equal to s by r raise to whole, hence root.
ये सब आएगा अगर आपका एग्जाम में जितना भी मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पूछेगा उनको ना 5 मार्क का पूछा तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स एक्चुअली 5 मार्क दे इसको 10 मार्क दे दिया तो भी कम है देख लो तो जल्दी ले लो काम थोड़ा फास्ट करते हैं पूरा कोड यूज करने को मिलता है ना और एक बार में पूरा सम सॉल्व होता है ना समझ आता है पावर लिया तो ये हो गया n इसका भी टोटल n हो गया तो पावर होता है ना वो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है हम लोग ने लॉ पढ़ा है a रेस टू m होल रेस टू n क्या होता है a रेस टू m n पढ़ा है ना पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ये n इसको भी मल्टीप्लाइड होगा और ये n इसको भी मल्टीप्लाइड करेक्ट लेकिन यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला दिखा ठीक था तो डिवाइड बाय 2 था इसलिए मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एडजस्ट किया क्यों एडजस्ट किया मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 2 चाहिए अब ये 2 को भी बाहर कर दिया ये देखो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना तो अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा ना तो सेम वही मैंने किया ये 2 को बाहर और ये 2 को भी बाहर आ गया फिर टोटल को अगर साथ में लिया तो टोटल रेस्ट कितना हो जाएगा 2 और ये किसकी वैल्यू है पी एडजस्टमेंट और दूसरा लॉ है ये स्टैंडर्ड का लॉ है सर लॉ ऑफ एनालिसिस ए हो गया क्या
ए हो गया क्या? बाजोले का हो गया लिखते देखो सम टू इंफिनिटी इज फाइनाइट। कि अगर हम लोगों ने इंफिनिटी टर्म का सम निकाला तो भी क्या आता है? फाइनाइट आता है। फॉर्मूला क्या है उसका? S is equal to A upon 1 minus R। तो फिर फॉर्मूला बना कैसे वो भी आपको सिखा देता हूँ। S is equal to A 1 minus R is to N 1 minus R। राइट है? यहाँ पे क्या लिखा है? सम टू इंफिनिटी टर्म। अगर मैं इंफिनिटी नंबर ऑफ टर्म लिया मतलब क्या हुआ कि अगर रेशियो एकदम छोटा 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 होता गया, जैसे सपोज करो 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 4 प्लस मतलब हाफ रेस टू 1, हाफ रेस टू 2, हाफ रेस टू 3, हाफ रेस टू 4, है ना, ऐसे चला गया तो हाफ रेस टू n आएगा ना लास्ट पे। अब देखो डेसिमल को मतलब डेसिमल को जितना छोटा किया ना तो वो और छोटा हो जाता है, राइट है ना। आपको फ्रैक्शन को जितना छोटा करने है, जितना पावर लेते जाओगे ना उतना वो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? सबसे मैक्सिमम वन है और उससे छोटा 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 होता गया तो एक टर्म ऐसा आएगा ना। ये देखो सब लोग, हम लोग ने कुछ समझा है कि 1/0 का अगर मैं इंफिनिटी लू, 1/∞ का 1/∞ की वैल्यू क्या होती है? होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2^n का मतलब क्या हो गया, ये इंफिनिटी टर्म आ गया ना पूरा, क्योंकि एकदम छोटा 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 कितना भी नंबर रहेगा तो वो कहां तक इंक्रीज, हम लोग ये पूरे टर्म को कहां तक, वन रे अगर कोई टर्म को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो कहां तक इंक्रीज करेंगे? अब तो इंफिनिटी पावर लिया 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो अगर कोई भी टर्म का है मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? इंफिनिटी हो सकता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया कि r रेस टू n, अगर रेशियो यहाँ पे हाफ है और उस रेशियो का अगर रेस टू n निकाला तो उसको क्या कंसिडर किया उसने? जीरो। इट इज वेरी बहुत ही स्मॉल टर्म आएगा एंड दैट शुड बी नेग्लिजिबल और इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर मैं टर्म लू 0.00000009 तो उसने क्या किया, ये टर्म को क्या लिया? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो लिया। तो 1 - 0 कितना हो जाएगा? 1। एंड 1 * a कितना आ जाएगा? a। फॉर्मूला क्या बना? a अपॉन 1 - r। सम टू इंफिनिटी है तो जब हम लोग, और एक चीज याद रखना उसके लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ ये पहली बार कि ये सम टू इंफिनिटी टर्म एग्जिस्ट है या नहीं है, तो कौन सा ऐसा टर्म रहेगा कि जिस पर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होगा? कंपलसरी उसका रेशियो शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो ना, लेस देन 1 का ही फॉर्मूला है ना। ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? व्हेन r इज लेस देन 1। तो सम टू इंफिनिटी वही टर्म में एग्जिस्ट होगा जिसका रेशियो क्या होगा?
क्या होगा? क्या होगा? याद रखना है, सम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर वन में? द गिवन सीक्वेंस आर, क्या है सीक्वेंस? 1/2, 1/4, 1/8 एंड एक्सेट्रा, राइट ना? हियर a इक्वल टू हाफ, r इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/2 व्हिच इज less than 1. Therefore, sum to infinity will exist. Right? और बोलता है कि अगर exist है तो s निकाल के बताओ, क्या निकालना है? s, s is equal to p upon r, sum to infinity s is equal to a upon 1 minus r, a कितना आया? half, r कितना है? half, तो half upon 1 में से half गया तो कितना बचेगा? half is equal to, right है? yes sir, देखो infinite term का sum भी क्या आता है? finite आता है ना, एक देखा maths में everything is possible, देख लो right on pass, ये कॉपी करने के बाद सेकंड वाला आपको सॉल्व करना है। चलो जल्दी फटाफट। बातें नहीं, हाँ जल्दी दिन Gracias.
Thank you.
हो गया सबका, ये सॉल्व किया, कितना आया आंसर? सीधे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखो। बातें नहीं, देखो क्या लिखा है। Express the following recurring decimal as a rational number. शब्दों के आपने ध्यान दो। Number one, s is equal to 0.7 bar. ये देखो, अगर इसको लिखना रहेगा तो ये कैसे आएगा? 0.7777, right? तो अगर इसको हम लोगों ने सम में लिखा तो 0.7 प्लस 0.07, 0.007, 0.7, तो अगर इसका ऐसे निकालने गए हम लोग तो मैं इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो राइट ना, हियर a इक्वल टू 7/10 राइट ना, और क्या बचा? r क्या रहेगा? 7/100 अपॉन 7/10 कितना आ गया? बराबर ना, सम टू इनफिनिटी कितना आएगा? इसमें एक्सिस नहीं चेक करना है, डायरेक्ट सम टू इनफिनिटी निकालना है। वैल्यू पुट करो कितना आएगा? ए कितना है? 7/10 ठीक है। Thank you.
इसका निकाला आप लोगों ने कितना आया? 5/9 इसका 5/9 आया ना? 5/90 पक्का है ना? तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर दो, टोटल एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.3 प्लस 5/90 बराबर ना, तो कितना आएगा ये 2.3 प्लस 0.5 अपॉन 9 2/3 प्लस 0.0 है ना, देखो 5/5 अगेन। अच्छा ये तो ऐसे रहने वाला है, इसको ऐड कर दो फिर। इसको फ्रैक्शन में रखना है, डिवीजन में नहीं, तो वही सेम आ जाएगा, वो तो सुपर सिंपल से आ रहा है। ए देखो अगर ये 5/90 आता है, 90 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 23 × 9 प्लस 5/90 बराबर है, तो 9 3 का कितना हो गया? 27 और 9 2 का 18 और 2 कितना आ गया? हो गया क्या? ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो क्या लिखा है। कॉमन रेशियो दिया है 2/3, लिखो r इक्वल टू 2/3, हेड ऑन पास r इक्वल टू 2/3 लिखा। s दिया है 12, s दिया है 12, क्या निकालना है? फर्स्ट a, यूज द फार्मूला s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, पुट करो फटाफट,
आगे सबका आंसर जो टेक डाउन फोर क्या लिखा है देखो फर्स्ट टर्म दिया है 16 लिखो a इक्वल टू 16 सम दिया है मतलब s दिया है 96/17 r निकालना है तो डू इट फास्ट ये आ गया क्या Thank you.
सर को आके भाई दुर्घटना होने आ रहा है, सर आ गया बोलता आगे सर सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, उसमें एस निकालना है। सुनो पहले सुनो अभी 5 और 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्वेश्चन नंबर 6 का पॉज समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 0.5 एस टू आर तो कितना आ जाएगा 4। ये देखो 0.5 एस टू 1 0.5 एस टू 2 0.5 एस टू 3 एंड इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग है 1/2 1/2 एस कितना आ गया, यहाँ पे 1 इंटू 4 कितना आया, हाँ 7 दो सब अच्छा है। Thank you.
ए हो गया क्या? ए हो गया सबका? सब लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अच्छे से रीड करो। देखो उस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ए अलेको देखो एक स्क्वायर है और वो क्या बोल रहा है कि अगर इस स्क्वायर का मिड पॉइंट साइड्स के मिड पॉइंट अगर ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करके अगेन जो स्क्वायर फॉर्म होगा फिर से इसका मिड पॉइंट ऐसे ऐसे मतलब स्क्वायर के अंदर है कि नहीं मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो एरिया बनेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एरिया सब ठीक है सारे स्क्वायर का क्या निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर है कि नहीं आप सुनो ध्यान से वी नीड टू फाइंड सम ऑफ areas of all square right na sab log yahan pe dhyan do to s is equal to aur side ka length diya hai 1 unit pehla wala jo sabse bada wala square hai na uska kitna diya hai 1 unit ye aa gaya 1 ka square aa jayega bade wale ka hai ki nahi dusre wale ka kya bola hai usne कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो एरिया बना है राइट है ना इसका मतलब इसका लेंथ कितना आ जाएगा हाफ तो ये कितना हो गया 1/2 स्क्वायर उसके नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1/4 इसका मतलब क्या हो गया 1/4 स्क्वायर है कि नहीं देखो ये टोटल कितना है 1 तो ये कितना आ गया हाफ ये आ गया हाफ तो इसका क्या आ जाएगा हाफ का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1/4 प्लस 1/4 बिकम 2/4 व्हिच इज 1/2 तो इसका कितना आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट लिया तो 1/√2 मतलब इसका लेंथ आएगा 1/√2 करेक्ट है आप देखो इसका आ गया 1/√2 राइट ना ये 90 है सुनो ध्यान से तो ये 1/√2 का आधा मतलब 2/1/√2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1/2√2 ये 1/2√2 आएगा ये 1/√2 1/2√2 का स्क्वायर प्लस 1/2√2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 2 8 ना ये आया 1/8 प्लस 1/8 बिकम 2/8 दैट इज 1/4 रूट लिया तो कितना आएगा 1/2 मतलब इसका जो हाफ आएगा वो 1/2 आएगा देखो सबका निकल रहा है इसका मतलब क्या हो गया सबसे पहले कितना है 1 राइट ना उसके बाद वाला जो आएगा उसका क्या बनेगा 1/√2 साइड स्क्वायर उसके बाद वाला जो आएगा कितना आएगा 1/2 स्क्वायर बराबर है वैसे आएगा
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड सो ऑन राइट। अब तो कहां तक है? अब इसको एस के फॉर्म में लिखते थे हम लोग, ये 1/√2 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये और a इक्वल टू कितना है और r इक्वल टू कितना है, तो s निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन द नोट, साइड ऑफ cos स्क्वायर कितना आया बोलो, 1 है। साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना आया, 1/√2। साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया ना राइट। हाँ बोलो, एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर जितना भी स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर के अंदर अभी बहुत सारे इंफिनिटी स्क्वायर बन सकता है और एक एक का साइड हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ये समझा सबका कैसे आया ये साइड, एक बार और एक्सप्लेन करूं क्या, एक बार और करता हूँ देख लो। लिसन, सुन लो एक बार फिर से सुन लो। देखो ये बड़ा वाला जो है उसका कितना एरिया, 1 है ना, तो देखो 1 है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया मतलब ये कितना आ गया हाफ, ये कितना आ गया हाफ, तो ये हाफ है ये हाफ है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला साइड निकालना है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे पक्का ना, पाइथागोरस अप्लाई किया तो इसका कितना आ गया 1/√2, कितना आ गया साइड। पाइथागोरस में क्या करना रहता है, स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करने का, फिर उसका स्क्वायर रूट भी लेना है, इसलिए कितना आया 1/√2। अब ये पूरा 1/√2 है तो आधा कितना आएगा, 1/2√2 कितना आएगा, ये आ गया 1/2√2, ये आ गया 1/2√2, दोनों को स्क्वायर किया ऐड किया फिर उसका स्क्वायर रूट लिया, ये कितना आ गया। सपोज करो कि अगर इसका भी मुझे निकालना होता, इसके अंदर एक और बनाना होता, देखो ये 1/2 है ना, इसका 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये आएगा 1/4, उस हिसाब से फिर इसका आ जाएगा, फिर उसके अंदर एक और बना दो चीज, बस हो गया ना, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, हो गया। तीन बार क्यूब रूट निकालने के लिए ना, जैसे एक का क्यूब रूट होता है, एक का फैक्टर निकालो,
नहीं निकाल सकता। सपोज अगर ऐसा नंबर आ गया 26 का क्यूब रूट कैसे निकालेगा? नहीं निकाल सकता, लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। एक और मेथड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जब डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा ना तब उसका उस मेथड से किसी का भी आ जाएगा। भाई भाई।